हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस धार्मिक स्थान की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो अयोध्या के दशरथ भवन के नाम से जाना जाता है। भक्तों, दशरथ भवन अयोध्या के रामकोट बाजार क्षेत्र में अमावा भवन के समीप ही स्थित है। ये पूर्णतः एक धार्मिक स्थान है जो अयोध्या के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। दशरथ महल का नाम भगवान श्री राम के पूज्य पिताश्री और अयोध्या के महान शासक रहे महाराज दशरथ के नाम पर पड़ा है। ऐसा मत है कि वर्तमान समय में जिस स्थान पर दशरथ महल का निर्माण करवाया गया है वहीं पर त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने अपना महल बनवाया था। इस महल के बीचों बीच एक आंगन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम अपने तीनों छोटे भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बचपन में खेला करते थे। दिव्य, सुंदर और कई रंगों से सुसज्जित महल है। राम राम सब कहे दशरथ ना कहे कोई, जो दशरथ का नाम लियो वही हर दुख सुख में खोय। दशरथ जी के राज महल है, राज चौराहे, राज दरबार है, राज सभा लगे हैं। यहीं से बन गए हैं, वन से आपस आए हैं, शादी करके आए हैं, बाल रूप में हैं। ऐसे चारों भाई चारों महारानी हैं। ये बाल रूप में है, चारों भाई चारों महारानी। सीता है, उर्मिला है, मांडवी है, सुकृति माता है, चारों भाई है। ये बाल रूप में है। वो राजा राम है, राज चला है, राज दरबार है। वो बनवासी राम जी वन से आपस आए हैं ना, तो काला रूप में दिख रहा है, बनवासी राम जी है। ये दुल्हा सरकार है, गोरा है, वहाँ जनकपुर से धनुष तोड़ के शादी करके आए हैं, तो गोरा है। भक्तों, दशरथ महल में प्रवेश करने के लिए एक सुंदर रंगीन विशाल प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार इतना मनमोहक और आकर्षक है कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मुख्य प्रवेश द्वार के निकट संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही दिव्य तथा जीवंत लगती है। भक्तों, दशरथ भवन के प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर एक खुला स्थान है और उसके बाद एक अत्यंत ही खूबसूरत प्रांगण है। इस प्रांगण में भगवान श्री राम, माता सीता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, दशरथ भवन में साधु संतों के अनवरत भजन कीर्तन और तुलसीदास कृत रामायण का वाद्य यंत्रों के साथ संगीतमय पाठ किया जाता है। रामायण का सा स्वर पाठ यहाँ के वातावरण को संगीतमय और भक्तिमय बना देता है। भक्तों, अयोध्या स्थित दशरथ भवन में यात्रियों और पर्यटकों के दर्शन का समय प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक है। आप इस समयावधि में कभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। बता दें, दशरथ भवन में यात्रियों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। भक्तों, अगर आप भी अयोध्या के दशरथ भवन जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार, इति शुभम।